क्या आप भी चाहते हैं अपने पर्सनल फोटो या वीडियो या फिर फाइल्स को एक अलग ही जगह रखना है जो कि आपके अलावा उसे कोई देख ना पाए? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिना मतलब कोई के देखे आप वो फाइल या फिर फोटो वीडियो जो भी है आप उस जगह पर रख सकते हैं, और वो जगह इतनी मतलब खुफिया है कि कोई देख के भी नहीं बता सकता कि उसमें आपने कुछ ऐसा किया हुआ है। हाँ, और मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सटर्नल ऐप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना है। ये सिस्टम आपके मोबाइल में ही होता है, आपको शायद पता नहीं है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा आपको। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं एमडी टेक्निकल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और बताते हैं आपको कि कैसे वो सेटिंग होगा, कैसे फोटो या वीडियो हम छिपाएंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के डाउनलोड किए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल में चलते हैं। तो सिंपली से दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। आपको भी फटाफट आ जाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन में। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें खोजना है कि यहाँ पर फाइल है कहाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला फाइल चाहिए होता है, इस वाले फाइल से हमारा काम होगा। तो सबसे पहले हम इसको ढूंढेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर ओपन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ फोल्डर होगा, किसी किसी में नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से सेव फोल्डर जो होता है गायब हो जाता है। अगर आपने नहीं दिख रहा होगा तो सिंपली से थ्री डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ पर लिखा आएगा शो सेव फोल्डर, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है, आपका सेव फोल्डर दिखने लगेगा। तो देखिए सबसे तो पहले दोस्तों तो हमें करना क्या है, सेव फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पर अपना पिन पासवर्ड जिस तरीके से बना सकते हैं उस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक पिन पासवर्ड बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2468, इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर वही पासवर्ड डालना है 2468, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो देखिए हमारा जो सेव फोल्डर छिपाने का जगह हो गया, बन गया। अब बात आती है यहाँ पर हम छिपाएंगे कैसे। तो यहाँ से हम अपना सेलेक्ट कर लेना है कोई भी मतलब फ़ोटो वीडियो एल्बम चाहे जो भी हो, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब बाय चांस मान के चलिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा पर्सनल फ़ोटो है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा इस फ़ोटो को कोई ना देख पाए, तो सिंपली से हमें इसे छिपा देना है सेव फोल्डर में। वो कैसे होगा चलिए दिखाते हैं। इसके ऊपर सिंपली से हमें प्रेस किए रहना होगा एंड थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है हुआ है मूव टू सेव फोल्डर, इसे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर फिर पासवर्ड डालना है जो कि सेव फोल्डर का पासवर्ड था। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड फिलअप कर देते हैं, जैसे 2468 पासवर्ड आ गया। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से वो फोटो गायब हो गया और चला गया है अपने सेव फोल्डर में। एंड मान लीजिए दोस्तों आप सभी अपना मतलब फ़ोटो वीडियो जिस तरीके का भी फ़ोटो वीडियो हो आप इसमें छिपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप चाहते हैं कि ये सेव फोल्डर किसी को ना दिखाई दे, यहाँ पर मतलब ऐसे हम ऐप खोलें तो ऐसे स्क्रॉल करें तो ये सेव फोल्डर हमें दिखे ही ना, तो इसके लिए फिर से हमें वही सेटिंग करना है जो कि आपके मोबाइल पे पहले से ही था। यहाँ पर क्लिक करना है थ्री डॉट, फिर हाइड सेव फोल्डर। यहाँ इसके बाद आप देख सकते हैं सेव फोल्डर किसी को नहीं दिखाई देगा। और बात आती है कि हम उस फाइल या फोटो या वीडियो को जैसे भी छिपाए हों तो हम उसे दोबारा कैसे देखेंगे। तो सिंपली से दोस्तों हमें यही टिक करना है, फिर से सेव टू शो टू सेव फोल्डर, इसी के ऊपर दोबारा हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें वही पासवर्ड डाल देना है जो कि इसका है 2468। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पिक आर्ट से एक पिक्चर को सेलेक्ट किया था जो कि इसमें सेव हो चुका है और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा हमारा वही फोटो आ जाता है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा दोस्तों, मैंने आपको बताया बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड किए अपने फोटो या वीडियो को कैसे छिपाएं, और वो चीज़ ऐसा है जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने फाइल में छिपाया, तो वो चीज़ ऐसा है कि किसी के सामने भी रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा, अगर किसी को पता भी चल जाता है तो उसमें आपका एक पर्सनल ताला लगा रहता है जिसका पासवर्ड आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो यार, अब नहीं करोगे तब कब करोगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को ख़त्म, और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।